मोवा के दुबे कॉलोनी स्थित आई स्पोर्ट बैडमिंटन कोर्ट में छत्तीसगढ़ बैडमिंटन संघ द्वारा आयोजित 22वीं जूनियर राज्य बैडमिंटन स्पर्धा का फाइनल खेला गया। पुरस्कार वितरण और समापन समारोह में छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन महासचिव गुरुचरण सिंह होरा, महापौर एजाज ढेबर और DFO विश्वेश कुमार ने विजेताओं को इनामी राशि और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर श्री होरा ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने में मददगार साबित होते हैं। छत्तीसगढ़ बैडमिंटन संघ द्वारा आयोजित 22वीं जूनियर राज्य बैडमिंटन स्पर्धा का फाइनल मैच काफी रोमांचक रहा। 15 से 17 आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा दिखाते हुए एक दूसरे को मात दी। विजेता खिलाड़ियों को छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा, महापौर एजाज ठेबर और DFO विश्वेश कुमार ने इनामी राशि और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर गुरुचरण सिंह होरा ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए सबके साथ फोटो भी खिंचाई। इस मौके पर छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के महासचिव होरा ने कहा कि इस तरह के आयोजन खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने में मददगार साबित होता है। समय समय पर इस तरह के आयोजन होते रहना चाहिए। सभी खिलाड़ियों को इस मौके पर बधाई देते हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ के महासचिव संजय मिश्रा और छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष संजय भंसाली के कार्य को भी सराहना की गई। इस आयोजन में आकर खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए टेनिस संघ महासचिव गुरुचरण सिंह होरा का बैडमिंटन संघ ने आभार जताया। अंडर 15 अंडर 17 बॉयज एंड गर्ल्स का स्टेट टूर्नामेंट आज यहाँ खेला जा रहा है। समापन अवसर पर मैं उपस्थित हुआ। सभी के विजयी खिलाड़ियों को मैं बधाई देता हूँ और छत्तीसगढ़ बैडमिंटन संघ के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। ऑल इंडिया बैडमिंटन संघ के संजय मिश्रा जी और हमारे यूनियन क्लब के संजय भंसाली जी, ये दोनों लगातार प्रशिक्षण के माध्यम से खिलाड़ियों को, और आकर्षी कश्यप जो हमारी की बहुत उदयमान खिलाड़ी है वो अभी इंडिया लेवल पे खेल रही है, निश्चित रूप से बैडमिंटन का जो एकेडमी भी बनने जा रही है वो मैरियट होटल के सामने जमीन का आवंटन हो गया। मैं इस सब के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये सब जूनियर का जो अंडर 15 और 17 का स्टेट लेवल का चैंपियनशिप थी, ये आई स्पोर्ट्स में खेली गई, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूरे 500 बच्चे ने इसमें पार्टिसिपेट किया। बहुत ही भव्य आयोजन था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि स्टेट है, ऐसा लग रहा था नेशनल टूर्नामेंट चल रहा है कोई। इतने बच्चों ने जो खेला है, सब ने अपना एंजॉय किया और अच्छा खेल का प्रदर्शन किया। और आज इनॉग्रेशन में एजाज ढेबर जी, गुरुचरण होरा जी और DFO साहब आए थे और बच्चों को पुरस्कार वितरण किया, और बहुत ही सम्मानजनक मैचेस रहे हैं।